होली का दिन है और पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, जरा भी भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं एक और अलग सा वीडियो लेके, आपका भाई अजहर और मैं हूँ अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या होने वाला है, तब तक ये आप हमारा चैनल देखते रहिए। अभी मैं हूँ लॉयल्टी के लॉन्च एक्सिस में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, और यहाँ का बेनिफिट ये है क्या, मेरे पास जो कार्ड है वो कार्ड से सिर्फ 25 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है, वो भी रिफंडेबल है, और उसके बदले में यहाँ पर अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक्स है, और आपकी जब तक फ्लाइट का आप इंतज़ार कर रहे हैं तब तक यहाँ पर बैठ के आप टाइम पास कर सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप लोगों के पास कार्ड है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर ज़रूर उठाओ, आओ यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती इस चीज़ की, और ये जो लॉन्च एक्सेस पूरा के पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो फिर अगर अभी आप तक में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंडियन ट्रैवलर अजहर, आपका भाई अजहर, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे। आप लोगों ने जैसा प्यार दिया है मेरे वीडियोज़ के ऊपर, वैसे ही आप लोगों से उम्मीद है कि आप आगे भी देंगे, फिर आगे क्या होता है आप लोगों को बताते रहोगे। थैंक यू। लॉयल्टी का जो खाना है, खाना भी बहुत अच्छा है, एक नंबर क्वालिटी है। देखिए दाल है, चिकन करी है, राइस है, आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाओ। मैं आप लोगों को शायद बताना भूल गया क्या, हाँ, अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर आके चेक करा सकते हैं, या तो फिर आप आपके बैंक में एक बार इंक्वायरी कर लो, उसके बाद यहाँ पर आने तो गूगली हो जाएगी आप लोगों की। तो बाकी खाना बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। इमरान भाई के बाजू में बैठे हुए हैं, हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, और 3:30 बजे की फ़्लाइट है अभी, टाइम 1:30 बजे अभी तक, तो 1:20 हो चुके हैं अभी तक, बहुत टाइम है। देखते हैं फिर अगर कुछ भूख लगी तो फिर उसे खाएंगे या तो फिर यहाँ से जाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक देखते रहिए। पूरा खाना होने के बाद हम ले रहे हैं हमारा फाइनल स्टेप, और ये है हमारी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी ख़त्म करेंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सामने जो मैडम है बहुत ही अच्छी मैडम है, मैडम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत ही अच्छा नेचर है। थैंक यू वेरी मच। तो मैडम ने हम लोगों को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, फाइनल में कोको कोला। तो मिलते हैं, तब तक देखते रहिए। में से बाहर आ गए, दबा के खाना वाना खा लिया, जितना खा सकते थे, जितना भूख लगी थी उतना खा लिया, और उसके बाद में अब हम आ चुके हैं बाहर, और अभी अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। तो तब तक मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा एयरपोर्ट घुमा दूँ, दिखाता हूँ एयरपोर्ट पे क्या क्या मिल रहा है। भाई साहब चीज़ें तो इतनी सारी है क्या, मैं बता भी नहीं पाऊँगा आप लोगों को, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और एक से एक एंटिक आइटम, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता आप लोगों को कि क्या क्या है यहाँ पर, मतलब हर वो चीज़ है, हर एक चीज़ जो आप लोगों को चाहिए दिखाऊंगा, और आप लोगों को आगे क्या है अभी और क्या होता है। बाकी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत क्लीन एयरपोर्ट है, मेरे को हमारे बॉम्बे एयरपोर्ट गर्व है मुझे इस एयरपोर्ट पर, क्योंकि ये हमारे बम्बई की शान है, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। मेरे को तो नहीं मालूम इंडिया में ऐसा कोई एयरपोर्ट है कि नहीं, पर ये वाला एयरपोर्ट सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। पता है चाइना में ऐसी मशीन होती है जैसे कॉइन डालो और आप लोगों के वेफर चिप्स बाहर आ जाते हैं, देखो वैसे ही इधर भी कुछ है। बहुत साल के बाद में मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया हूँ, मेरे को लगता है मैं इससे पहले 2014 में या 15 में आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हाँ 14 में गया था मैं यहाँ से, और 2015
15 में, दिसंबर में कुछ 2014 दिसंबर को मैं यहाँ से सऊदी गया था, और जनवरी में 7 तारीख को 2015 को मैं आया था, हाँ मेरे को याद है। तो उसके बाद अभी इतने साल के बाद, 5-6 साल के बाद आया हूँ मैं, बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। और ये देखो दोस्त, अभी क्या सिर्फ इसके अंदर खड़ा हो जाने का, ये ऑटोमेटिकली हम चलते रहेंगे, मतलब पैर भी नहीं दुखेंगे। और वैसे भी मेरे को बहुत सुस्ती जैसी आ रही है, खाना मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, क्योंकि मैंने एक चिकन मील लिया था और उसके बाद मैं एक चिकन सैंडविच लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक थी, और उसके बाद मैं 2 कॉफ़ी पी मैंने, और अभी मेरे को चलने के लिए भी बहुत कंटाला आ रहा है। अपने ना एक आज होली का दिन है और उसके वजह से आज इधर थोड़ी भी गर्दी नहीं है, पूरा एयरपोर्ट खाली भी नहीं है। एयरपोर्ट पे देखो आप लोगों को ये एयरपोर्ट दिख रहा है पूरा खाली है, नहीं तो एयरपोर्ट पे हमेशा अक्सर गर्दी देखने मिलती है, रश देखने मिलता है, पर आज तो कुछ भी नहीं है इधर। और सची में मतलब आज रश नहीं है उसकी वजह से, मतलब अच्छा लग रहा है यार, इधर कोई नहीं है इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्लास वॉशरूम है, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही क्लास वॉशरूम है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही मस्त। हाँ, और ये खास चीज़ है वजू करने के लिए, ये मुसलमान लोगों को नमाज पढ़ने से पहले जो वजू करना पड़ता है उसके लिए, इधर सिर्फ वजू करने के लिए है। ये जो शॉप है ना, ये एंटीक आइटम की शॉप है, बहुत ही क्लास शॉप है यार। मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ, अगर मैं दुबई से मुंबई एयरपोर्ट आता तो फिर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाता था, पर आने के टाइम पे मैं अहमदाबाद में आने वाला हूँ, यहाँ पर नहीं आऊँगा। बताओ आप लोगों को क्या पसंद आया कमेंट में, मतलब फ्रेम भी कितनी अच्छी अच्छी फ्रेम है, आप लोगों को दिख रही रहेगी फ्रेम। हमारे इमरान भाई जा रहे हैं, इधर आने के बाद में ऐसा लग रहा है मेरे को, क्या सच्ची में ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, इतना साफ इतना सुथरा, यकीन नहीं आता। पर हकीकत में दोस्तों ये अपना इंडिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है यहाँ पर, और बहुत देखने जैसा ये एयरपोर्ट है, और हर एक हिंदुस्तानी को अपने एयरपोर्ट पर अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, और मुझे बिल्कुल बहुत गर्व है क्या मुझे इतना अच्छा अवसर मिला इस एयरपोर्ट पे आने का। मैं बहुत खुद को लकी कंसीडर कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप लोगों को मैं नहीं बता सकता कि मेरे को कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं आया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सच्ची में आप लोगों को अगर ऐसा कभी भी मौका मिले बिल्कुल भी मत छोड़ो, आ जाओ इधर। देखो मेरे साथ में क्या हो गया है, एक्चुअली मेरी सीट बीच की थी ना, तो लोगों ने मेरे को पूरा पीपी कीटी पहना दिया क्या बोलने का, डॉक्टर लग रहा हूँ अभी तो मैं। कमाल भाई भी हमारे साथ में थे, और कमाल भाई जा रहे भर दुबई और हम जा रहे अलबशा, हमारे काफ़ी सफ़र किया है भाई ने हमारे, अभी लैंडिंग होने वाली है थोड़ी देर, 5 मिनट और लगे लैंडिंग हो जाएगी, मिलेंगे फिर भाई से अगर मुलाकात हुई तो। फाइनली आ गए अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे, अब दुबई के अंदर भी होली खेली जा रही है, हैप्पी होली। मॉर्निंग गाइस, सुबह दुबई में हो चुकी है, दुबई में हूँ अभी,
कल शाम को दुबई के 5:30 बजे मैं आया था दुबई, उसके बाद में 7:30-8 बज गए मुझे मेरे होटल में आते आते, क्योंकि 2 घंटा तो मेरे को एयरपोर्ट पे ही लग गया 2 घंटा। और उसके बाद में ये एक सादी सी चाहिए, एकदम सिंपल। और आप लोगों को मशीन दिख रही होगी ना, देखो वो मशीन दिख रही है, उसके अंदर बनाइए। आप लोगों को मेरा रूम जो है, मैं एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा रूम के बारे में। अभी थोड़ा रूम मेरा गंदा हो गया है, सब सोए थे मैं और इमरान भाई, इमरान भाई का बेड है उधर, इमरान भाई उधर सोए थे, बताऊंगा आप लोगों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो इस वीडियो को। और अभी कुछ नहीं, अभी फ्रेश होता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को घुमाता हूँ दुबई। बाय बाय।